साथियों, जब भ्रष्ट और मजबूर सरकार होती है तो वो चुनौतियों को न सह पाती है, न चुनौतियों से लड़ पाती है। याद कीजिए, आजमगढ़ की साख के साथ इन लोगों की सरकार के समय किस तरह का खिलवाड़ किया गया था। जब भी कोई आतंकी हमला होता था तो उसके तार खोजते खोजते एजेंसियां आजमगढ़ पहुंच जाती थी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था, क्या वजह थी? भाइयों और बहनों, यहां जो सपा और बसपा के नेता थे, जो दिल्ली में सरकार थी, वो सिर्फ वोट के लिए आतंक के मददगारों को पनाह दे रहे थे। कार्रवाई के समय पर आतंकियों का भी जात पात पंथ संप्रदाय वही देखा जाता था और उसी के तराजू पर तोला जाता था। बहनों और भाइयों, वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने, जातीय समीकरण की राजनीति करने वालों ने, इस महामिलावट वालों ने देश को खतरे में डाल दिया था। इन्हीं लोगों ने पाकिस्तान को भारत पर हावी होने का मौका दिया। अब आप सोचिए, 2014 के बाद आजमगढ़ का नाम क्या कारण है कि आतंकियों से नहीं जुड़ता है, और 2014 के पहले क्या कारण था कि आतंकियों के साथ आजमगढ़ का नाम जुड़ जाता था। 2014 के बाद देश के बड़े शहरों में बम धमाकों पर लगाम कैसे लग गई? आतंकी सिर्फ जम्मू कश्मीर और सीमा के छोटे से हिस्सों तक सिमट क्यों गए? साथियों, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमारी सरकार ने आतंक के खिलाफ देश हित को सर्वोपरि रखते हुए कार्रवाई की है। हमने पाकिस्तान में घुस करके आतंकियों पर प्रहार किया है। हमने घुस करके मारा ठीक किया कि नहीं किया? ऐसा ही करना चाहिए ना। आतंकवादियों को खत्म किए बिना शांति मिल सकती है क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुस करके मारता है। कभी हमारे साथ दुनिया खड़ी होने में झिझकती थी, आज मसूद अजहर जैसे आतंकी के खिलाफ पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ खड़ी हो जाती है। ये होता है मजबूत सरकार का मतलब।